वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट लेजर क्वेश्चन इसकी एग्जाम्पल ये हमने ऑन 1 सितंबर 2023 रोहन ऑफ गुड़गांव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज़ 2,50,000। कितना कैश? 2,50,000 का। सो ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। मैंने यहाँ पर रफ सा जर्नल जो है वो पहले क्रिएट कर लिया है इन जर्नल एंट्रीज का, तो देखते हैं फटाफट और इसके जो एंट्रीज को समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने कहा कि कैश से 2,50,000 का उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी एंट्री आ गई हमारी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000, ठीक है जी। नेक्स्ट उसने कहा है सेप्टेम्बर 3 को बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000। 50,000 की गुड्स जो हैं वो कैश पे परचेज की हैं, तो इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? परचेजेस टू कैश 50,000। नेक्स्ट उसने कहा है परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी 10,000। अब यहाँ पर कंपनी का नेम आ गया गुप्ता एंड कंपनी, तो ऑब्वियसली हम जनरल एंट्री में भी उनका उनकी कंपनी का नाम ही लिखेंगे, तो इसलिए इसकी एंट्री जो है वो हमारी आ गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस कर दी, ये कैश सेल्स हैं, तो मतलब सेल्स जो है वो कैश पे हुई हैं 5,000 की, तो कैश टू सेल्स अकाउंट 5,000, ठीक है जी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अहमद, यहाँ पर अहमद का नेम आ गया, तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट पे हो रही हैं, तो सेल्स हो रही हैं अहमद को, तो एंट्री आ गई अहमद टू सेल्स 2,000। नेक्स्ट उसने कहा है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक में पैसा चला गया, इसलिए बैंक हो जाएगी यहाँ पे डेबिट और कैश हो गया हमारा क्रेडिट 70,000 का, ठीक है जी। नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज है तो ये हमारी हो गई ड्राइंग्स, तो इसकी एंट्री आ गई ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है पेड रेंट, रेंट एक्सपेंस पे किया है 5,000 का, एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं, सो एंट्री आ गई रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक, अब बैंक से पेमेंट किया है, बैंक से पेमेंट मतलब डायरेक्टली बैंक से उनको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो पे कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इसकी एंट्री आ जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक से पेमेंट हो रही है तो आप यहाँ पे बैंक लिखोगे, अगर जैसे उन्होंने कहा रेंट पेड, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कोई बैंक की बात नहीं की, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपेंस में क्या लिखा, कैश अकाउंट लिखा था। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय अहमद, अब यहाँ पर देखो गुड्स अहमद ने रिटर्न की है, ठीक है जी। अहमद को हमने यहाँ पे क्या किया था, सेल की थी 2,000 की, ऑब्वियसली अगर अहमद को सेल की थी, अगर उसने रिटर्न की है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसे जो हैं वो विड्रॉ करवाए हैं, बैंक से निकलवाए हैं, तो मतलब हाथ में आ गया कैश और बैंक में से पैसे निकल गए, सो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लास्ट उसने कहा है कमीशन रिसीव, इनकम रिसीव हो रही है आपको, तो इनकम रिसीव हो रही है कैश में, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, मतलब इनकम का नाम क्या है, कमीशन, तो कमीशन हो गया हमारा क्रेडिट। तो ये थी आपकी जनरल एंट्रीज, मैंने ये रफ में यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं कि अब हम इनके लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। यस, अब हमने देखना है कि हमने अपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने इन जनरल एंट्री से लेजर अकाउंट्स पहले प्रिपेयर कर लिए हैं, तो अब देखते हैं कि हम इन जनरल एंट्रीज को कैसे पोस्ट करते हैं अपने लेजर में। सो सबसे पहले है हमारी कैश वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री कैश टू कैपिटल, सो दैट मीन यहाँ पे हमारा कैश और कैपिटल अकाउंट ये दोनों जाएंगे, ठीक है जी। सो कैश टू कैपिटल है, तो दैट मीन्स कैश में कैपिटल जाएगा और कैपिटल में कौन सा अकाउंट जाएगा, कैश में कैश जाएगा, तो कैश में कैपिटल को डाल देते हैं सबसे पहले। 2023 आ गया सितंबर 1 टू कैपिटल, कितना 2,50,000, ठीक है जी। और ऐसे ही कैश में कैश जो है वो कैपिटल में जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2023 का सितंबर 1 बाय कैश 2,50,000, ठीक है जी।
ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। नेक्स्ट परचेजेस टू कैश, इसका मतलब परचेजेस और कैश ये दोनों अकाउंट हमारे जो हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे। परचेजेस अब कैश में जाएंगी, कैश जो है वो परचेजेस में जाएगा। तो अगर परचेजेस जो है वो कैश में जाएंगी, परचेजेस यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट में इस अकाउंट में वो क्या होंगे, कैश में क्रेडिट होंगी। 2023 सितंबर 3rd बाय परचेजेस। एक और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर डेबिट है तो 2, और क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो बाय अकाउंट लिखते हैं हम। बाय परचेजेस अकाउंट कितने की, 50,000। ठीक है, कैश में परचेजेस आ गया। अब परचेजेस में कैश को लेकर चले, कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो दैट मीन यहाँ पर हमारा कैश क्या होएगा, डेबिट होएगा। 2023 सितंबर 3 टू कैश अकाउंट कितना, 50,000। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट ये दोनों यूज होंगे। कैश यहाँ पे डेबिट है तो सेल्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बाय कैश अकाउंट कितना, 5,000। और डेट हमारी क्या बन जाएगी, 2023 की सितंबर 5। अगर सेल्स में कैश चला गया तो कैश में भी सेल्स जाएगा, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट है तो यहाँ पे हमारा सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट। टू सेल्स अकाउंट सितंबर 5 कितना, 5,000 का। ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट है सितंबर 8 को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। दैट मीन यहाँ पे परचेजेस अकाउंट एक यूज़ होएगा और दूसरा हमारा गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है जी, ये दोनों अकाउंट यूज़ होंगे। तो एंट्री है परचेजेस टू गुप्ता एंड कंपनी। तो गुप्ता एंड कंपनी में परचेजेस जो हैं वो जाएंगी क्रेडिट, क्योंकि परचेजेस डेबिट हैं। परचेजेस अकाउंट ऐसे लिख लेते हैं, बाय परचेजेस अकाउंट और परचेजेस में टू गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है जी, सितंबर 8 2023 सितंबर 8 अमाउंट कितनी है हमारी, 10,000। यहाँ पर भी आ गया 10,000। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे। ठीक है जी, अगर आपको मतलब लगता है कि पहले उसकी एंट्री फुल डाल लूँ फिर उसकी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आप ऐसे करो कि दो अकाउंट देख लो, कौन से दो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, उसमें बाय और क्या जाएगा, टू क्या जाएगा, डाल के जस्ट अमाउंट डाल दो बाद में। ठीक है जी, तो ऐसे करके देखते हैं नेक्स्ट एंट्री भी। सितंबर 10 को क्या हुआ, अहमद टू सेल्स। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हैं, ये दोनों अहमद और सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, अहमद टू सेल्स हुआ मतलब सेल्स वहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगे। किसमें, अहमद में, टू सेल्स अकाउंट और सेल्स में चला जाएगा बाय अहमद अकाउंट। अहमद यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट थी, यहाँ पे डेबिट हो गई। ठीक है जी, सो 2023 की सितंबर 10th, यहाँ पर भी सितंबर 10, पैसे कितने हैं, 2000 यहाँ और 2000 यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट है बैंक टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक कैश अकाउंट यूज़ होगा और एक हमारा बैंक अकाउंट यूज़ होगा, ये दोनों अकाउंट यूज़ होंगे। अब एंट्री क्या है, बैंक टू कैश, बैंक यहाँ पे डेबिट है तो ऑब्वियसली कैश में बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बाय बैंक अकाउंट और बैंक में आ जाएगा हमारा टू कैश। अब डेट कितनी, सितंबर 15, तो 2023 की सितंबर 15 अमाउंट हमारी कितनी है इसकी, 70,000। ठीक है जी, बैंक और कैश दोनों अकाउंट बन गया। ठीक है जी, अब ये भी होगी हमारी एंट्री 15 की। ठीक है, सितंबर 18 को हुआ हमारा ड्राइंग्स एंड कैश। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमारा अकाउंट होगा यूज ये ड्राइंग्स का और ये हमारा कैश का अकाउंट। ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट है तो कैश में क्या होगी, क्रेडिट। बाय ड्राइंग्स कितने से, चलो अमाउंट बाद में देखते हैं। और ड्राइंग्स में हमारा कैश जाएगा टू कैश, सितंबर 18। यहाँ पर भी सितंबर 18, यहाँ पर भी सितंबर 18,
एंड सितंबर 18 को हमारी अमाउंट कितनी है 10,000। तो दोनों साइड्स में हमारा आ जाएगा 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट है सितंबर 20 को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रेंट एंड कैश, दैट मीन्स हमारा ये अकाउंट यूज़ होगा कैश का और हमारा रेंट का अकाउंट यूज़ होगा। ठीक है जी। अब एंट्री में रेंट जो है वो कैश के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेबिट है, तो ऑब्वियसली एंट्री में क्या जाएगा, बाय रेंट। क्रेडिट होएगा और रेंट में हमारा टू कैश है, तो यहाँ पे होगा टू कैश अकाउंट 2023 सितंबर 20। यहाँ पर भी सितंबर 20 आ जाएगा। कितने अमाउंट से अब ये हमारा रेंट 5,000 से, 5,000 यहाँ और 5,000 ही यहाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट है सितंबर 23 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे दो अकाउंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, हमारा एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट यूज़ हो रहा है और एक हमारा बैंक अकाउंट। अब यहाँ रहा हमारा बैंक अकाउंट और यहाँ रहा हमारा एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ठीक है जी। तो एंट्री में क्या लिखा है उसने, एडवर्टीजमेंट्स टू बैंक। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डेबिट है तो बैंक में क्रेडिट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर बैंक की बात करूँ तो यहाँ पे बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 2023 में। ठीक है जी। और इसकी डेट कितनी थी, 23 सितंबर 23। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट में 2023 सितंबर 23 को क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से, 20,000 ही यहाँ पे और 20,000 ही यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गई हमारी एंट्री सेल्स रिटर्न टू अहमद। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे अकाउंट अब यूज होएगा ये अहमद का। ठीक है जी। और एक सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमारा रहा यहाँ पे। एंट्री है सितंबर 25 को सेल्स रिटर्न टू अहमद। मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट है तो अहमद में क्रेडिट होएगा और यहाँ पे अहमद क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न में हमारा होगा डेबिट। तो यहाँ पर आ गया टू अहमद अकाउंट 2023 की सितंबर 25 को कितना, 1,000 से। ऐसे ही अहमद में अब चल जाएगा बाय सेल्स रिटर्न 2023 सितंबर 25 1,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है सितंबर 25 हो गया। सितंबर 27 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा ये कैश अकाउंट यूज होगा और हमारा बैंक अकाउंट यूज होगा। अब यहाँ पे कैश डेबिट है तो ऑब्वियसली दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होएगा, यहाँ पे बैंक क्रेडिट है तो इस अकाउंट में वो डेबिट होएगा। सो डैट मीन यहाँ पर अब देख लेते हैं सितंबर 27 को टू बैंक अकाउंट। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप जनरल एंट्री डालोगे अगर ये कैश अकाउंट है तो डैट मीन इसमें कोई भी कैश वाली अमाउंट, मतलब ये कैश वाला अकाउंट नहीं लिखना। जैसे आप देख लो अभी मैंने ये कैश अकाउंट डाला है, यहाँ पे कोई भी कैश वाली अमाउंट नहीं आ रही, मतलब बाय कैश या टू कैश नहीं लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर भी कोई कैपिटल की बात नहीं की, यहाँ पे मैंने कोई परचेजेस की बात नहीं कही। तो जब भी आप जनरल एंट्री की पास करोगे इन लेजर अकाउंट, तब यही याद रखना, जब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये पता नहीं ये वाली एंट्री कब कहाँ पर जाएगी, तो हमेशा याद रखना उस अकाउंट में उस अकाउंट वाली चीज़ नहीं जाएगी। मतलब उसका उल्टा नाम जो, मतलब उसके ओपोजिट साइड जो नेम है वही आपके अकाउंट में जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा टू बैंक आ गया और बैंक में हमारा चला गया बाय कैश अकाउंट सितंबर 27 को 5,000 का, 5,000 यहाँ पे और 5,000 यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है सितंबर 30 लास्ट कैश और कमीशन। कैश अकाउंट में कमीशन जाएगा, कमीशन में कैश जाएगा। सो कैश में पहले कमीशन डाल देते हैं तो टू कमीशन आ जाएगा यहाँ पे हमारा। कमीशन वहाँ पे क्रेडिट होएगा तो कैश में आके डेबिट हो जाएगा सितंबर 30 6,000 का। और कमीशन में हमारा चला जाएगा कैश तो यहाँ पे आ जाएगा कमीशन में
बाय कैश अकाउंट 2023 की सितंबर 30। कितने पैसे हैं? 6000। यहाँ पे भी क्रेडिट हो गया 6000, यहाँ पे भी डेबिट हो गया 6000। ठीक है जी। अब लास्ट पार्ट इसका क्या है, अब हमने करना है इन अकाउंट्स को बैलेंस। बैलेंस हमेशा याद रखना कि मंथ की लास्ट डेट को ही बैलेंस होता है। सितंबर मंथ में 30 डेज होते हैं, तो ऑब्वियसली 30th को ही हम अपने बैलेंसेस निकालेंगे। और हमने क्या देखना है, डेबिट और क्रेडिट साइड में से कौन सी साइड बड़ी है, और जो भी छोटी साइड होगी उसी साइड पे हमारा बैलेंस निकलेगा। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम ये छोटे वाले अकाउंट्स कर लेते हैं, देन हम कैश अकाउंट करते हैं। ठीक है जी। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे 250,000 है, यहाँ मतलब ये एक साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो बैलेंस हमारा निकलेगा इस साइड पे सितंबर 30 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 250,000। अब यहाँ पे सिर्फ डेबिट में चीज़ें हैं, क्रेडिट में नहीं है, तो ये टोटल हो गया हमारा 60,000 2023 की सितंबर 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा आ गया 60,000। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्रेडिट में हैं, तो ऑब्वियसली फिर 2023 ये साइड में ज़ीरो बैलेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट टू बैलेंस कैरी डाउन 5,6,7,7,000 बना, तो 7,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं गुप्ता एंड कंपनी। गुप्ता एंड कंपनी में क्रेडिट में है 10,000, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000 का 2023 की सितंबर 30। बस ये अकाउंट थोड़े से लेंथी होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और अगर आप मतलब इनको फॉलो नहीं करते तो आप अपने अपने मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट करवा लोगे क्वेश्चन में से, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1000 है, ऑब्वियसली ये बड़ी है या छोटी है, तो बैलेंस कैरी डाउन हमारा इस साइड पे आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये 2000 है, तो इसे भी हमने 2000 ही बनाना है इसका टोटल, तो ये सितंबर 30th को 2000 माइनस 1000 आ गया 1000, तो ये हमारा बन गया टोटल 2000। ठीक है जी। यहाँ पे बैंक में ये साइड है 70,000 और ये है हमारी 25,000, तो ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, ऑब्वियसली हमने इसे भी 70,000 ही बनाना है, तो सितंबर 30th बाय बैलेंस कैरी डाउन 70,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा 45,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है, यहाँ पे 10,000 है, तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो 2023 सितंबर 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000। हम थोड़ा सा रफली करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे भी सिर्फ एक एक साइड में ही डाला हुआ है, तो 20,000 आ गया यहाँ पे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। याद रखना डेट्स जो हैं वो हमारी 2023 की सितंबर 30th को ही होगी, यहाँ पे 2023 सितंबर 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1000, और यहाँ पे 6000 क्रेडिट में है, तो बैलेंस निकलेगा हमारा डेबिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन 6000, यहाँ पर भी 2023 की सितंबर 30th। ठीक है जी। अब बचा हमारा कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट का देख लेते हैं हमारा बैलेंस कितना निकलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2,50,000 प्लस 5 प्लस 5 10,000, ये बन गया हमारा 2,60,000,
2,66,000 हमारा बन गया। ठीक है जी, ऑब्वियसली मुझे लगता है यही साइड बड़ी होगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लैक्स में अमाउंट है। तो 2,66,000 बना हमारा यहाँ पे, यहाँ पे बना 70, 80 प्लस 5 80,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000, ये हमारा बना 1,35,000 इसका टोटल। तो 2,66,000 में से हम जब 1,35,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बनता है 1,31,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन सितंबर 30th को 2,66,000 हमारा आ गया टोटल। ये साइड बड़ी थी तो इस साइड का टोटल किया, टोटल करके इसमें से माइनस किया तो हमारा बन गया बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, तो ये था आपका जनरल का क्वेश्चन सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट में मैंने आपको सिंपल जनरल एंट्रीज करवाई थी परचेजेस और सेल्स की, इसमें थोड़ा सा एडवांस था जिसमें कि मैंने एक्सपेंसेस हो गए, क्रेडिट्स में क्रेडिट में परचेज सेल्स हो गई, ड्राइंग्स आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, इनकम रिसीव्ड आ गई, रिटर्न्स आ गए। ठीक है, तो ये जनरल एंट्रीज भी मैंने, तो मतलब बात ये है कि अगर आपने जनरल एंट्रीज सही डाली है तो दैट मीन्स आपके लेजर अकाउंट्स भी सही बनेंगे। और दूसरी बात ये हमेशा याद रखना, जब भी आप जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करोगे तो उनकी ओपोजिट चीज़ें ही अपने ओपोजिट अकाउंट्स ही अपने जो है वो लेजर अकाउंट्स में जाएंगे, तो इस चीज़ का ही बस ध्यान रखना। और दूसरी बात, पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आता कि इतने सारे अकाउंट्स बनाने पड़े, छोटा सा आता है, 3-4 मैक्सिमम 5 एंट्रीज होंगी, 5 एंट्रीज पे आपने जो है वो लेजर अकाउंट्स बनाना है। तो वो एक मिक्सचर होएगा जनरल एंट्रीज का, परचेज की आ गई, सेल्स की आ गई, रिटर्न की आ गई, ड्राइंग्स की आ गई, मतलब यही जो एक्सपेंस है उसकी आ गई, डिस्काउंट वाली आ सकती है, बैड डेट्स वाली आ सकती है, जो कि अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस, मतलब जो हमने अभी तक टॉपिक्स कवर नहीं किए वही करेंगे। तो ऐसे ही आएंगी 4-5 एंट्रीज, आपने जर्नल बनाना, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है जी, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है जो एक क्वेश्चन में आता है, कई बार होता है कि ट्रायल बैलेंस ना आए तो ये दोनों चीज़ें आ जाएँ। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का लेजर का क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस पिछली वीडियो से। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट अपने जो इसके बचे हुए टॉपिक्स है वो कवर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।